किसान आंदोलन में आए दिन टर्न एंड ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट से किसान नेता बने योगेंद्र यादव को संयुक्त मोर्चे ने एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि वे लखीमपुरी खीरी मामले में आरोपियों से मिलने पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ योगेंद्र यादव ने भी इस सस्पेंशन को स्वीकार कर लिया है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में इशारों ही इशारों में ये साफ कर दिया कि उन्होंने मृतक शुभम मिश्रा के घर जाकर कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने संवेदनशीलता और इंसानियत का हवाला देते हुए इसे ठीक ठहराया। योगेंद्र यादव 12 अक्टूबर को लखीमपुर हिंसा के मृतक आरोपी के घर सहानुभूति जताने गए, लेकिन इस एक्शन का रिएक्शन आने में 10 दिन से भी ज्यादा का समय लग गया। लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है। मामला निहंगों के आंदोलन में मौजूद होने से है, क्योंकि दलित युवक लखबीर की हत्या के दूसरे दिन ही 16 अक्टूबर को योगेंद्र यादव ने कहा था कि निहंगों को सजा मिलनी चाहिए, अब उन्हें बॉर्डर से हट जाना चाहिए, जिसके बाद से ही किसान नेताओं और निहंगों में टकराव देखा जा रहा है। इस मामले पर निहंग तरना दल के जत्थेदार स्वर्णजीत सिंह ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा था कि किसान आंदोलन सफल, हम यहां किसानों की सुरक्षा के लिए डटे हैं, हम खुद नहीं आए, हमें तो बुलाया गया था। निहंग दलों ने इसे लेकर 27 अक्टूबर को एक बैठक के आयोजन की भी घोषणा कर दी है। इस बीच किसान नेताओं ने निहंगों को मनाने की भी खूब कोशिशें की, लेकिन निहंगों के जिद के सामने किसान नेताओं की नहीं चली। आखिरकार योगेंद्र यादव के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। इसके साथ ही अब निहंग किसान आंदोलन में रहने और ना रहने को लेकर साफ नहीं है। निहंग दल के मुताबिक अगर सब राजी हुए तो फिर 27 अक्टूबर की बैठक नहीं होगी। साथ ही निहंग नेताओं ने किसान नेताओं के साथ बैठक कर इस बात पर क्लियरेंस मांगा है कि निहंग धरने का हिस्सा है या नहीं।